जो केवल, अरे आपका अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य, आप पुराने अध्यक्ष महोदय, इनको तो चुप कराइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज हमारे आप बोलिए, आप मुख्यमंत्री माननीय सदस्य फर्नांडा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बैठिए, जिन्होंने पुरानी नेचर है, बैठिए। 20 साल से जो लंबी जो ईआरसी योजना थी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उन्होंने आज लागू करवाई, शुरू हो गया। और अगला नाम पुकार लिया है, बैठिए, आप बैठिए। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। महामहिम के अभिभाषण पर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस भाषण में हमारे जो राजस्थान में जो जंगल राज था और राम राज्य स्थापना की, और उसका इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में आपने देखा होगा, पूर्ववर्ती सरकार जिन्होंने जनता को एक मुगली लाल के हसीन सपने दिखाए थे, कहा था कि हम इनको बेरोजगार को भत्ता देंगे, भत्ता दिया नहीं, और साथ साथ ही उन्होंने कहा था कि 2-2 लाख रुपए तक का हम कर्जा माफ करेंगे, और इनके बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे, फिर आपका भाषण भी नहीं होगा। इनके शांति से दोनों को अपने अपने विचार रखने दीजिए। कहा गया कि पप्पू भैया आप घोषणा करिए, और पप्पू भाई ने घोषणा की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 लाख की घोषणा माफ। अरे शर्म करो, शर्म करो, जनता को गुमराह किया। और फिर पप्पू भी, पप्पू गायब हो गया, पप्पू पता नहीं चला पप्पू कहाँ गया। माननीय सदस्य, आपका भी नाम आएगा, जनता राजस्थान की बैठे, कोई भी बैठे बैठे न बोले, माननीय सदस्यों से कोई बैठे बैठे न बोले। पप्पू भाई तो समझ गया, अंडरस्टूड है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को मालूम है पप्पू कौन है। अध्यक्ष महोदय, नागदम ने कहा ये चिट्टी पिट्टी गुम हो गई, चिट्टी पिट्टी गुम, अब उनके सारे जो सारे थे वो भी खत्म हो गया। अब पप्पू तो प्रत्यक्ष में एक ही नेता है, कौन है आप खुद समझदार हो। अध्यक्ष महोदय, ये वही है, वही है क्या? जो स्टोव में कोयला डालता है और आलू से सोना बनाता है, अब आप समझ गए होंगे पप्पू कौन है। माननीय सदस्य, आप अपना बोलना जारी रखें। इन बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का लालच दिया और लोगों को गुमराह किया रहे हो क्या? दूसरा उन्होंने कहा सब्जी मंडी बना रहे हो क्या कि किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे? अभी भी शांत बैठे, अध्यक्ष महोदय, पप्पू बाहर गए राजस्थान के, कर्जा तो माफ हुआ या नहीं हुआ? आप अभी बाहर गए, कर्जा तो माफ हुआ या नहीं हुआ अभी? लेकिन उन किसानों के साथ में ये इस तरीके की भाषा किया गया सदन में, वो कुठाराघात किया गया, उपयुक्त नहीं है, कृपया आप विराजमान। कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा तो माफ हुआ नहीं हुआ, लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, उन कर बिक गए, उनके खेत को नीलाम हो गए, लेकिन उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भय भूख भ्रष्टाचार आतंकवाद का एक ऐसा तांडव रचा। बैठिए माननीय सदस्य, आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा, खतरा होगी, आप विराजे। माननीय सदस्य, आपका आपका भी क्रम से नंबर आएगा, इसके बाद जब बोलिएगा आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 19 बार पेपर लीक हुआ, आप बोले, लेकिन इस सरकार ने गरीबों के साथ वो कुठाराघात किया, साथ वो कभी तो माफ नहीं किया। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, प्लीज आप राजे, आप जारी रखे, आप राजे प्लीज, आप राजे प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये तो राजे सदस्य बंद करिए, ये क्या वाद विवाद हो रहा है क्या है? एक सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें आप भी बोलने दें, फिर वो सब बोलेंगे, तो आप भी शांति से सुनिए, और कोई ऐसी बात लगती तो वैसी अंकित नहीं होगी।
इसलिए आप अपना बोलना जारी रखें। सभापति महोदय, इन्होंने भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भू माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, जितने भी माफिया सब इन्होंने पैदा कर दिए, और इनके माफियाओं के साथ साथ ही हर विधायक को इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हर विधायक वहां का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और इनको खुली छूट दे दी, और ऐसी छूट दी कि आज राजस्थान की जनता हाय तरह करने लगी। ये वो कहावत चरितार्थ होती है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा बर्बाद गुलिस्तान क्या होगा, वो स्थिति अध्यक्ष सभापति महोदय इस सरकार ने कर दी। आज मैं बात करना चाहता हूँ, मैं ये तो आप खुद ये आप खुद समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है, मुझे एक बोलने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष सभापति महोदय। आज आप सभापति महोदय इनको मिर्ची क्यों लग रही है, इनको मिर्ची क्यों लग रही है, क्योंकि खुद इसके इनका है ना, इन्होंने कर्म किया है इसके लिए, इसलिए इनको एहसास हो रहा है। सभापति महोदय आप मैं शराब माफिया बात करना चाहता हूँ, समय शराब माफिया बात करना चाहता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार के नुमाइंदे जो हमारे ईओ है, सीआई है एक्साइज के, और पीओ है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हें बदली नहीं, वही उनका तंत्र लगा हुआ है, और शराब माफियाओं के उन्हीं के वही पूरा तार जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी को माननीय सदस्य बैठे 26 जनवरी को ड्राई डे होता है, और ड्राई डे के दिन खुले आम उन्होंने शराब बेचा। जब हमने शिकायत की ईओ को, पीओ को और सीआई को, इन्होंने उनके जू तक नहीं रहेंगी और शराब की दुकानें चलती रही। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना पूछना चाहता हूँ, क्या ये संभव है क्या, जो ड्राई डे होने के बावजूद अगर इस शराब की दुकानें अगर चलती है, तो मैं आपसे सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, तत्काल इसे एक्साइज ईओ और पीओ और सीआई को तत्काल इनको सस्पेंड किया जाए। और जब मैंने उनको बोला तो उन्हें एफआईआर दर्ज, बोले हम ये तो हमारी कार्रवाई में होता ही नहीं है, और एक दुकान वेद है, उसके बाद 10-10 दुकानें शराब की दुकानें चल रही है। ये पूर्ववर्ती सरकार के सब नुमाइंदे जो ठेकेदार बैठे हुए हैं उनका तत्काल लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए बोला, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के नुमाइंदों ने इसका कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो मेरा आपके सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। श्री हनुमान बेनीवाल विराजे, अरे सभापति महोदय भी हमारा समय नहीं हुआ, समय हो गया, एक मिनट तो देने दो, सभापति एक मिनट अच्छा बोल रहे साहब, एक मिनट, आज हमारी सरकार माननीय सदस्य एक सभापति महोदय फिर मैं बोल लूं, कोई सभापति महोदय आपको ध्यान होना चाहिए, एक कन्यालाल हत्याकांड हुआ था उदयपुर में, कन्यालाल हत्याकांड हुआ, मेरे भीम में उस हत्यारों को पकड़ा गया तो हमारे कांग्रेस के नुमाइंदों को उनको यह है ना बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने तत्काल हमारे जो बीएचपी के संघ के बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे सभापति महोदय, उनको कर्म ऐसी यातना के साथ, जानवर के साथ भी ऐसी यातना थी, वैसी यातना उनके साथ की, और 60 लोगों को करीब 3 महीने तक जेल में बंद रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को तत्काल छुड़ाया जाए, और उनके खिलाफ जो केस जो दायर किया हुआ उसको वापस लिया जाए। इस टाइप की घटना ही मैं सो एक अशोभनीय घटना है। मैं समझता हूँ हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान में रहते हैं, जो इस टाइप की घटना हमारे यहाँ होती है तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। सभापति महोदय कुछ बोल नहीं पाए, मैं तो ये खाली हाउ मीटिंग मेरा समय पूरा करवा दिया। वक्ता काफी सारे हैं, वक्ता की संख्या खूब है। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि दूसरी जो हमारी सरकार की योजना है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने योजना आयुष्मान भारत योजना लागू की, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है, वो चाहे इंडिया किसी कोने जाके इलाज करा सकता है। और जो निवर्तमान सरकार है केवल थोती घोषणा करके और कोई काम किया नहीं, केवल लोगों को भ्रमित किया। दूसरा उज्ज्वला योजना, सभापति महोदय पूर्ववर्ती सरकार ने बोला था कि मैं जो 1000 रुपया था तो बोले 500 रुपये कम करेंगे, उन्होंने कम नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भदला जी को, जिन्होंने तत्काल घोषणा करके 450 रुपये सिलेंडर का कम किया। ये हमारे बहुत बड़ी सराहनीय बात है, और गरीब तबके को बहुत बड़ी राहत मिली है। बिराजे, बिराजे, प्लीज बिराजे, सभापति में दो चीजें, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक सभापति बंद है, बाकी लिख के प्रारंभ किया जाए
ताकि जो हमारी जो योजना है वो हमारी धरातल जा सके और गरीबों को राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।